हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी किचन से। आज मैं आपके लिए साबूदाने की बहुत ही बढ़िया सी स्नैक्स लेकर आई हूँ, जिसे खाकर आप साबूदाना वड़ा भी भूल जाएंगे। इसमें हमें साबूदाने को भिगोने का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। हमने एक कप छोटे साइज़ का साबूदाना लिया है। इसको अब हम मिक्सी में डालकर बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसका एक फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटी हुई दो हरी मिर्ची डालेंगे। दो हमने बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। थोड़ा सा हमने इसमें धनिया पत्ता डाला है। एक टीस्पून हमने इसमें कच्ची मूंगफली को हमने पहले रोस्ट कर लिया था। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर हमारा साबूदाना अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें आलू और डाल सकते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर हम हाथों की मदद से उस प्लेट में इसको फैला लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, हमारा साबूदाना अब सेट हो गया है। अब हम इसको स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके पीस निकाल कर दिखाती हूँ, ये कितने बढ़िया तरीके से सेट हुए हैं। अब हमने एक पैन लिया है, पैन में तेल डालकर उसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम अपनी ये क्यूब्स इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और इसको दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक उलटते पलटते सेकना है। ये देखिए, इस तरीके से ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और बढ़िया बनती है कि आप इसको शाम की चाय के साथ बनाकर खाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, हमारी ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। ये लीजिए, हमारा साबूदाने का क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। मैं आपको बताती हूँ ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। ये देखिए, अगर आपको मेरी ये साबूदाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको ये क्रिस्पी और करंची नाश्ता कैसा लगा। फिर आऊँगी एक और नई वीडियो के साथ।